दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय देवभूमि मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड मंडी। ग्राम पंचायत नागधार के गांव ड्योड और शमशान घाट घराट नाला में निजी कंपनी द्वारा वन भूमि पर अवैध डंपिंग रोकने को लेकर ग्राम पंचायत नागधार का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को जिलाधीश मंडी से मिला और वन मंत्री राकेश पठानी व विधायक जवाहर ठाकुर को ज्ञापन भेजा। नागधार पंचायत के ड्योड के स्थानीय निवासी यादविंदर ने बताया कि ग्राम पंचायत नागधार के ड्योड गांव और शमशान घाट घराट नाला में निजी कंपनी द्वारा अवैध डंपिंग की जा रही है। इससे पंचायत के स्थानीय लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि गांव लोहट नाला के पास जो प्राकृतिक जल स्रोत है उससे ही पानी की पूर्ति से गुज्जर बस्ती व अन्य की प्यास बुझती है, पर कंपनी ने इस स्रोत के पास डंपिंग कर इसे तबाह करने की ठान ली है। वहीं सड़क से लगभग 500 मीटर नीचे मलबा फेंकने से धूल उड़ने के कारण स्थानीय लोगों और हटौन गांव तक बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद भी कंपनी लगातार अवैध डंपिंग कर रही है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से दो टू कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो लोग सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। जी, मैं यादविंदर, गांव डेवड, फोर लाइन कंपनी की वजह से जो हमारे घरों में जो डस्ट उड़ रही है डंपिंग साइट से, अवैध तरीके से जो डंपिंग की जा रही है, इसका विज्ञापन हमने पंचायत से भी लिख के दिया है और हमने डीसी साहब को भी इसका लिख के दिया है। अभी उसको कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। हम लोगों की बहुत परेशानी है। हम लोगों के पशुओं के लिए चारा नहीं है। पशुओं को घास जो है वो पूरी तरह से मिट्टी से जो है ख़राब हो चुका है, जिसमें हमारी 90,000 रुपये की भैंसें और गायें रखी हुई है, उनको घास नहीं मिल रहा है और खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। अंदर जो पूरे घर में जो धूल धूल आ जाती है, हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं डस्ट की वजह से, और जितनी डस्ट उड़ती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। सुबह से शाम तक हमने एफकॉन कंपनी से भी कई बार इसके बारे में बात की। एफकॉन कंपनी भी कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, वो सुनते ही नहीं है किसी की। हमारे लोगों की जो समस्या है वो जस की तस है। हम एक दो तीन महीने से जो है इनके साथ बोल रहे हैं कि भाई हमारा कुछ प्रावधान करो, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो है हमको वैसे ही समझा हुआ है बेवकूफ़ से। कई लोग जो है कंपनी वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं और अवैध रूप से जो वहाँ डंपिंग की जा रही है, जो DPF में पूरी तरह से जो ग्रीनरी थी वहाँ की सारी सारी हरियाली थी वो सारी खत्म कर दी, नष्ट कर दी है। Simply clever.